फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर सना मरीन, जो अभी सुर्खियों में रही थी दुनिया की सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर बनने को लेकर, अब उन्होंने फिनलैंड की पार्लियामेंट में एक ऐसा बिल प्रपोज किया है, अगर वो पास हो गया तो फिनलैंड में रहने वाला हर एक वर्कर उनको ज़िंदगी भर दुआ देगा, और हर एक वर्कर के घर वाले चाहेंगे कि हमेशा सन्ना मरीन ही प्रधानमंत्री बनी रहें। दरअसल में उन्होंने प्रपोज किया है 4 डे वीक, मतलब हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ऑफिस जाना, चाहे कोई प्राइवेट एम्प्लॉई हो चाहे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। अगर ये बिल पास हो जाएगा, ये बिल पारित हो जाएगा, तो इसके बाद फिनलैंड में जो भी नौकरी पेशा लोग हैं उनको सिर्फ हफ्ते में 4 दिन जाना होगा। और 4 दिन अगर दिन कम हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिन के घंटे बढ़ा दिए, 8 से 10 घंटे कर दिए, घंटे भी 2 घंटे कम करने का प्रस्ताव है इस बिल में। 4 दिन का वर्किंग वीक और इसके अलावा हर दिन सिर्फ 6 घंटे काम, यह बिल प्रपोज करते हुए सन्ना मरीन का कहना था कि वो जानती हैं जब कोई जॉब करता है तो वो कितने प्रेशर में रहता है ऑफिस वर्क के, और ऐसे में अगर वो कभी सबसे बेहतर काम कर पाता है तो जब जब वो अपने घर से वापस ऑफिस जाता है। तो ऐसे में अगर कोई घर और ऑफिस में बराबर वक्त बिताएगा तो जाहिर सी बात है उसका ऑफिस में जो काम करने का तरीका है वो भी सुधरेगा, और उसके प्रोडक्टिविटी भी सुधरेगी, और उसका दिमाग भी अच्छा काम करेगा। और मेरा ऐसा मानना है किसी भी शख्स के लिए ऑफिस से ज़्यादा ज़रूरी होता है। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ वक्त बिताना, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं होता कब ख़त्म हो जाए, ऐसे में हर एक शख्स को अपने परिवार के साथ एक निश्चित समय हर दिन बिताना ही चाहिए, और यही सन्ना मरीन का कहना था, और इसीलिए उन्होंने इस बिल को प्रपोज किया। इसके अलावा 6 घंटे का वर्क करके 18 घंटे बचेंगे एक शख्स के बाद, इसमें वो आराम से सो सकता है, अपने परिवार के साथ हर दिन रह सकता है, अपने परिवार से ज़रूरी बातें कर सकता है। हालांकि अगर इस तरह का बिल इंडिया में आ जाए तो ये जो प्राइवेट फैक्ट्रियों के मालिक है यही इसको पास नहीं होने देंगे, और सरकार के खिलाफ आंदोलन पे आंदोलन। पहले ही सरकार ने कहा हुआ है कि एक मिनिमम वेज होनी चाहिए प्राइवेट एम्प्लॉय की, लेकिन भारत में उसे भी प्राइवेट कंपनियों के मालिक नहीं मानते, और 8 से 10 घंटे काम करवा के सिर्फ 7 से 8 हज़ार रुपये दिए जाते हैं लेबर क्लास के वर्कर्स को। और भारत में अगर लोग पहले वाले नियम भी मानने लगे तो प्राइवेट जॉब्स के वर्कर्स के हालत बहुत हद तक सुधर जाए, लेकिन अफसोस कि उनको भी माना नहीं जाता। हम उम्मीद करते हैं सरकार इस तरफ ध्यान देगी कि जो सरकार ने मिनिमम वेजेस के रूल बनाए हुए हैं इंडिया में, कम से कम उनको तो प्राइवेट कंपनियां माने। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।